Let's do question number 13th of exercise 15B, that is perimeter and area of plane figure. Question number 13 is, the length and breadth of a rectangular garden are in the ratio. Length and breadth rectangular garden ki ratio mein de rakhi hai 9:5. A path 3.5 meter wide running all around inside it. Ek path hai jiski dimension hai 3.5 meter wide. इस रेक्टेंगुलर गार्डन के इनसाइड में है. इट हैज़ एन एरिया और उसका एरिया है 1911 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, और हमें डायमेंशंस निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है गार्डन की. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी साइड्स रेशियो में दे रखी हैं, और एक है हमारा, देखिए पाथ बना हुआ है 3.5 मीटर का. तो ये है हमारा पाथ 3.5 मीटर का, राइट. ऐसे भी है और ऐसे भी है, मतलब ऐसे भी है ये पाथ और ऐसे भी है. और हमें रेशोज दे रखी हैं, रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज, लेंथ एंड ब्रेथ की रेशियो दे रखी है 9:5. इसका मतलब बाहर वाली रेशियो दे रखी है क्योंकि उसके अंदर पाथ था, राइट. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी, लेंथ बी 9x, क्योंकि 9 है पहली वैल्यू इसलिए 9x, एंड ब्रेथ बी 5x, ब्रेथ हो गई 5x, राइट. अब हमें एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, एरिया ऑफ पाथ दे रखा है 1911 मीटर स्क्वायर, और हमें 3.5 मीटर का पाथ दिया हुआ है, राइट. तो अब देखिए हमारा जो इनर डायमेंशन आएगी, इनर डायमेंशन क्यों निकालनी पड़ेगी, देखिए हमें एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, ये वाली डायमेंशन दे नहीं रखी है, ये रेशोज में दे रखी है बाहर वाली डायमेंशन. और अंदर वाली भी अगर हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो हमने इनर लेंथ और ब्रेथ निकाली, इनर लेंथ, इनर लेंथ कैसे आएगी, देखिए बाहर वाली लेंथ में से हमने 3.5 मीटर इधर से और 3.5 मीटर इधर से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 3.5 माइनस 3.5, तो ये आ गया 9x माइनस 7. इसी तरीके से इनर ब्रेथ कैसे निकलेगी, इनर ब्रेथ बाहर वाली ब्रेथ में से हम इधर से 3.5 और इधर से 3.5 माइनस कर देंगे, तो बाहर वाली ब्रेथ थी 5x, उसमें से हमने 3.5 दोनों तरफ से माइनस कर दी, तो ये आ गया हमारा 5x माइनस 7, राइट. अब हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, तो आउटर एरिया क्या हुआ, आउटर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. आउटर एरिया की लेंथ क्या थी और ब्रेथ क्या थी, 9x और 5x, 9x इंटू 5x, तो ये आ गया 45x स्क्वायर. अब इसी तरीके से इनर एरिया, ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमें एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ क्या है इनर की, 9x माइनस 7, और ब्रेथ है हमारी 5x माइनस 7. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 9x की मल्टीप्लाई 5x माइनस 7 में, माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5x माइनस 7 में, तो ये कितना आ गया, 9 5s 45x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 7 5s 35x माइनस माइनस प्लस 49, तो ये आ गया हमारा 45x स्क्वायर माइनस, ये आया 98x प्लस 49, ये आ गया हमारा इनर एरिया. अब एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया ऑफ पाथ होता है हमारा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर एरिया। अब एरिया ऑफ पाथ दे रखा था 1911 मीटर स्क्वायर, आउटर एरिया कितना आया? आउटर एरिया आया 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर माइनस इनर एरिया ये वाला आएगा, तो ब्रैकेट रखते हैं 45x स्क्वायर, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि बाहर माइनस था, एक्स प्लस 49, ये आ गया 1911, 45x स्क्वायर एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो आ गया प्लस का 98x माइनस का 49। अब 45x स्क्वायर कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, तो और अब देखिए एक्स की टर्म्स यहीं रहेगी और ये नॉन एक्स टर्म इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 1911 प्लस का 49 इक्वल्स टू 98x, तो 98x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 9 + 1 = 10 कैरी 1 4 5 6 9 and 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1960/98, तो 2 4 = 8 2 9 = 18 2 9 = 18 2 8 = 16 and 0, नाउ 7 7 = 49, 7 1 = 7, 7 4 = 28 and 0, 7 2 = 14, तो ये आ गई 20। तो हमारी लेंथ आ गई जो कि 9x थी, तो 9 × 20, तो ये आ गया 180 मीटर, और ब्रेथ जो कि हमने 5x मानी थी, 5 × x की जगह 20, तो ये आ गया 100 मीटर इज द आंसर।